बाहर से ही दर्शन हो जाएंगे और यहाँ से होते हैं अंदर। श्रद्धालु हैं गाइस जो एग्जिट गेट से नो एंट्री में मतलब घुसना चाह रहे हैं कि जल्दी दर्शन हो जाए। मंदिर में ना सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है तो उस वजह से ना पूरी डेकोरेशन हो नहीं पाई है। भीड़ आप देख रहे हो, रश कितना आया हुआ है गाइस। फुल तैयारियां हो गई हैं बद्रीनाथ धाम में। कल सुबह 6:15 पर कपाट खुल जाएंगे। डोली आ गई है, पूरा मंदिर डेकोरेट हो गया है, सारी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था सेट हो गई है एकदम। अभी मतलब मंदिर तो सज के रेडी हो गया है बट श्रद्धालुओं ने ना अभी से लाइन लगा ली है तो मैं आपको मंदिर की एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप, जय बद्री विश्व। सो जी यही है वो लाइन जो लोगों ने रात को ही लगा ली है अपनी और यहाँ से होंगे कल इसी लाइन से दर्शन सभी के। इन लोगों ने पहले ही लगा ली है ये लाइन। तो मतलब दोपहर के 1 बजे से यहाँ मतलब श्रद्धालुओं ने लाइन लगा रखी है गाइस। तो मुझे तो नहीं लगता अगर कोई 6 बजे या 7 बजे आएगा। और ये देख रहे हो आप, मतलब वहाँ तक लाइन लग चुकी है पहले ही। तो भैया कल तो नंबर आना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हो आप, मतलब ये तपत कुंड है जो कि बद्रीनाथ में, यहाँ 12 के 12 महीने ऐसे ही खोलता हुआ पानी रहता है। ये देखो आप ये, और भाई इस कुंड की ना ये मान्यता है ना कि बीमारी रोग शरीर रोग जो होते हैं सब दूर हो जाते हैं और जो हमारी थकान है ना केदारनाथ ट्रैक की और पूरी ड्राइविंग करके आए बद्रीनाथ की वो सब खत्म हो जानी है यहाँ पे। अभी हम यहाँ आएंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा और बहुत ही आनंद आ जाएगा। हर बार हम बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ नहा के जाते हैं। क्यों मुनिंदर डॉन बाबा, बीच में गर्म नहीं है? गर्म नहीं है यहाँ? सही है एकदम है। जय बद्री विशाल जी दोस्तों। तो फटाफट तपट कुंड में नहा के और बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कपाट खुल चुके हैं 6 बजे। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन लग रही थी और चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो भीड़ देख रहे हैं आप सभी, कितनी भीड़ है यहाँ। बद्री विशाल जी के कपाट खुल गए हैं और अब हम चले अंदर दर्शन करने। तो आप सभी देख सकते हैं अभी कितना जनसैलाब आया हुआ है और ढोल नगाड़े तासे बजी रहे थे। अभी वो चले गए हैं यहाँ से ढोल वाले क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी इसीलिए, तो केदारनाथ जैसा माहौल ना बन जाए इसीलिए। और गाइस आप भीड़ देख सकते हो, भक्तों की लाइन की बहुत लंबी है, मतलब शाम तक तो नंबर ही नहीं आने वाला। मंदिर में ना सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है तो उस वजह से ना पूरी डेकोरेशन हो नहीं पाई है। तो फिलहाल अभी कर रहे हैं, बाकी कपाट ओपन हो गए हैं बट फिर भी डेकोरेशन अभी जारी है क्योंकि बारिश आ गई थी 4 बजे से बहुत तेज। तो अभी भी भैया डेकोरेशन चालू है। तो it's
सकते हो आप कितनी लंबी लाइन लग रही है, और हम भी अभी लाइन में लगे हुए हैं, आध घंटा हो गया है। और श्रद्धालुओं गाइस जो एग्जिट गेट से नो एंट्री में मतलब घुसना चाह रहे हैं कि जल्दी दर्शन हो जाए, लाइन यार खूब तेज चल रही है, देखो हम भी लगे हुए हैं एक घंटे से, भीड़ जबरदस्त है भाई, तो देख रहे हो ये देख रहे हो, मतलब जिया है इन्हीं बंदा बंदे के ऊपर है, देख रहे हो बहुत मजा लगा लो, सेम केदारनाथ हो रहा पूरा पूरा बद्रीनाथ सेम केदारनाथ। दो रास्ते हैं, एक तो मतलब बाहर से ही दर्शन हो जाएंगे और यहाँ से होते हैं अंदर से, तो अब हम जा रहे हैं अंदर, देर लगेगी पर। और मनिंदर टाउन चेहरे तो हमारे जल चुके हैं पूरे धूप में, अब चल रहे हैं हम बद्री विशाल जी के दर्शन करने, और कैमरा अलाउ नहीं है इसीलिए अब हम बंद कर लेंगे, यहाँ से एंट्री होगी। और बेटा सबकी मनोकामना मंगल में, और ये मिला प्रसाद तो साथियों बद्री विशाल जी के दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे, और आप सभी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मतलब यहाँ मंदिर में लाइन लगी हुई है, पीछे डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, और गाइस हमारे तो ना बहुत अच्छे दर्शन हो गए एकदम, प्रसाद भी प्राप्त हो गया, और अब हम चलते हैं नीचे पार्किंग में, बाकी मौसम एकदम बढ़िया है, दर्शन एकदम बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आप सब भी अगर बद्रीनाथ आ रहे हैं तो फटाफट आ जाइए, क्योंकि फिर मानसून आने वाला है तो फिर होगी भाई प्रॉब्लम। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं, बाकी ना रश बहुत है यार, रश बहुत है, रश के कारण देखो प्रॉब्लमें बहुत हो रही हैं। दर्शन करके लगी आई धूप, अब आ गए भंडारे में, भंडारा देख लो भाई, में देखो भटूरे सब्जी जवे चावल और मीठे में रसगुल्ले और जलेबी। तो गाइस मतलब दर्शन हो गए बहुत अच्छे, बाबा के कपाट खुल गए हैं और भंडारा खा लिया, पेट भर गया, अब हम चलते हैं पार्किंग में सीधा अपनी गाड़ी में बैठ के सब कुछ चेंज करके फिर निकलते हैं अपने तीसरे धाम की ओर, और दिखाते हैं रास्ते में जो जो होने वाला है। बाकी भाई कमेंट में बताना कि कुछ अगर कमी रह रही हो वीडियो में, अगर कुछ होगा तो करते हैं उसे चेंज, क्योंकि अभी दो धाम और रह रहे हैं उसमें वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल भाई मौसम एकदम बढ़िया है, यहाँ बद्रीनाथ से इस व्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में, होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जय बद्री विशाल।